जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हम लोग नंदन डेनिम लिमिटेड कंपनी के बारे में। नंदन डेनिम देखिए वैसे तो ये टेक्सटाइल सेक्टर का काफी जाना पहचाना स्टॉक है, काफी फेमस स्टॉक है और चूंकि ये स्मॉल कैप श्रेणी की कंपनी है लेकिन हम लोग तो ज्यादातर जो पेनी स्टॉक होते हैं उसको ही डिस्कस करते हैं। तो यदि आप शेयर प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो ये पेनी स्टॉक ही है, अब हो गया क्योंकि अभी आप सबको पता है कि स्टॉक स्प्लिट हुआ था ये, और स्टॉक जब भी स्प्लिट होता है या बोनस मिलता है तो उसके बाद क्या होता है कि शेयर के प्राइस कम हो जाते हैं। तो प्राइस एडजस्ट होने के बाद अभी इसका जो प्राइस है तकरीबन 7 रुपए के करीब है। हालांकि अभी पिछले एक आध दिनों में प्राइस बढ़ के इतना हो गया तकरीबन 4-5 रुपए के आसपास चल रहा था, मैं चार्ट पे दिखाऊंगा। तो अभी भी इसमें मौका है क्योंकि प्राइस कम हो गया है, तो एज ए पेनी स्टॉक आप इसको प्राइस के हिसाब से कंसीडर करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक यदि बाई करते हैं तो ठीक ठाक आपको इस स्टॉक में कमाई का मौका मिल सकता है, इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। और साथ में जो स्टॉक का स्प्लिट हुआ है पहले से किसी व्यक्ति के पास कंपनी के शेयर्स हैं तो स्टॉक का स्प्लिट का न्यूज उनके लिए भी जानना जरूरी है, और स्टॉक जो स्प्लिट हुआ है किस रेशियो में हुआ है, क्या रिकॉर्ड डेट है, कब मिलेगा और शेयर्स, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। पहले स्टॉक स्प्लिट का जो अपडेट है उसको जान लेते हैं और उसके बाद बाकी लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक ऐसा है ताकि नए व्यक्ति भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सके उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग आ गए हैं बीएस इंडिया की वेबसाइट पर और यहाँ पर नंदन डेनिम लिमिटेड कंपनी को मैंने ओपन किया हुआ है। नीचे आएंगे जब आप कॉर्पोरेट एक्शंस में देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक स्प्लिट जो हुआ है कॉर्पोरेट एक्शंस में वो हुआ है 1:10 की रेशियो में। 1:10 कहने का मतलब वो यदि किसी व्यक्ति के पास इस कंपनी के एक शेयर से तो 10 शेयर में डिवाइड हो गए और टोटल उसके पास हो गए 11 शेयर। उसी तरह यदि किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए 10 शेयर रहे होंगे तो 10 शेयर हो गए होंगे 100 शेयर, और चूंकि ये 10 शेयर पहले से है तो टोटल हो गए इसके पास 110 शेयर। तो ये रेशियो हुआ है, इस रेशियो में स्टॉक स्प्लिट हुआ है। अब ध्यान से समझिए, जिस रेशियो में स्टॉक स्प्लिट होता है उसी रेशियो में कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी डिवाइड हो जाता है। तो इस कंपनी का शेयर प्राइस 64 रुपये के आसपास चल रहा था और चूंकि स्टॉक स्प्लिट हुआ है 1:10 के रेशियो में यानी कि 1:10 हो गए हैं, तो इसी तरीके से शेयर प्राइस भी 64 को हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे तो तकरीबन 6 रुपये 40 पैसा होगा, जो कि वर्तमान में तकरीबन इसी के आसपास कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है। तो आप समझ गए कि प्राइस एडजस्ट कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट इसी रेशियो में हुआ, इसलिए शेयर का जो प्राइस है वो भी इसी रेशियो में कम हो गया है। कम नहीं हुआ, इसको एडजस्ट होना कहते हैं। जब भी कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन होता है तो उसके बाद प्राइस का एडजस्टमेंट होता है, और इससे सहूलियत ये होता है कि जो व्यक्ति मान लीजिए 64 रुपये का एक शेयर था नहीं बाई कर सकता था, 6 रुपये का शेयर हो गया तो अब इसको इजीली कोई भी व्यक्ति बाई कर सकता है। अब बेस इंडेक्स वेबसाइट पे एक और अपडेट है वो अभी देख लेते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ट्रेडिंग ऑफ क्लोजर विंडो। ट्रेडिंग ऑफ क्लोजर विंडो कहने का क्या मतलब हुआ कि इस कंपनी में जब भी किसी भी कंपनी में जब भी उसका जो ट्रेडिंग है उसकी यदि विंडो क्लोज कर दी जाती है, ट्रेडिंग कुछ दिनों के लिए और उसमें रोक दी जाती है, तो इसका ये मतलब होता है कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर आने वाले हैं। और हम सभी जानते हैं कि सितंबर का मंथ खत्म हो रहा है तो अब Q2 के नंबर आने वाले हैं सभी कंपनियों के, तो इस कंपनी के भी Q2 के नंबर आएंगे। और चूंकि इस कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर पिछले कुछ समय से लगातार अच्छे आ रहे हैं, Q2 के नंबर भी अच्छे आने की उम्मीद है, जिसके बदौलत कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो और अब तेजी के साथ ऊपर की तरफ जाएगा। अब हम सीधे चलते हैं इस कंपनी के बाकी डिटेल्स को समझते हैं। देखिए नंदन डेनिम लिमिटेड जो कंपनी है टेक्सटाइल के सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, फैब्रिक वगैरह बनाती है, यार्न भी बनाती है कंपनी, टेक्सटाइल के सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रही है, और काम करने के बदौलत कंपनी का मार्केट के पिछले कुछ दिनों में बढ़ा है, शानदार बढ़ा है, और कंपनी क्योंकि ग्रो कर रही है तो जाहिर सी बात है मार्केट कैप बढ़ेगा क्योंकि कंपनी के शेयर प्राइस बढ़े हैं पिछले कुछ समय में। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तकरीबन 8% के आसपास, क्योंकि कमाल का रिटर्न ऑन इक्विटी है। सामान्यतः टेक्सटाइल के सेक्टर में जो कंपनियां काम करती हैं उनमें से आप किसी भी कंपनी को फॉलो कीजिए, इसके इतना शानदार फंडामेंटल शायद ही किसी अन्य कंपनी का देखने को मिलेगा। मैं जिस तरीके की कंपनी है छोटी कंपनी इस तरीके की बात करूँ, मैं लार्ज कैप कंपनी की बात नहीं करूँ। यहाँ पे शेयर प्राइस भी देखेंगे लगातार आपको शेयर प्राइस ग्रो करते हुए दिख रहा है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी के एक तो कॉर्पोरेट टैक्स समय समय पर कंपनी करती रहती है, प्लस कंपनी का जो एक तो बिजनेस मॉडल समझिए, बिजनेस मॉडल जो है वो ग्रोइंग करने वाला बिजनेस मॉडल है, लॉन्ग टर्म में ये बिजनेस मॉडल ग्रो करेगा, प्लस कंपनी के जो फंडामेंटल है यह भी समय दर समय ग्रो कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे स्टॉक में आपका पैसा भी ग्रो करेगा। यहाँ पे क्वार्टर्स का नंबर आप देखेंगे तो देखने को मिलेगा कंपनी के क्वार्टर्स का नंबर लगातार पिछले कुछ क्वार्टर में देखेंगे तो जबरदस्त तरीके से बढ़ा है, और सेल्स ही सिर्फ नहीं बढ़ा है, यहाँ पे सेल्स बढ़ने के साथ साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वह भी आपको लगातार बढ़ते हुए ही दिख रहा है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कंपनी का जो फंडामेंटल है फंडामेंटल मजबूत हो रहा है, प्लस इस कंपनी में जो कंपनी के मालिक होते हैं जो प्रमोटर्स हैं इनकी हिस्सेदारी भी आप देखेंगे तो तकरीबन 60% के आसपास है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सामान्यतः तो दूसरी टेक्सटाइल की कंपनियों में उसको प्रमोटर्स की हिस्सेदारी इतनी अधिक मात्रा में देखने को नहीं मिलती जितनी इस कंपनी में देखने को मिल रही है। तो नंदन डेनिम लिमिटेड में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो निश्चित ही आपको इसमें बेनिफिट होगा, घाटा होने की तो कोई बात ही नहीं है। रही बात किस लेवल पर बाई करना है, लेवल इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान रखिएगा। बाकी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मन में कोई सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।